हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज के इस टॉपिक में हम बलवन को देखेंगे। बलवन हमारा आज का टॉपिक होगा। तो शुरू करते हैं बलवन का जो मूल नाम है। इससे पहले जो है मैंने रजिया सुल्तान, ये सारी चीज़ें जो हैं इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन जो मेन मेन है, उन सबको जो है कंप्लीट किया है। तो बलवन तक हम आ गए हैं, बलवन का, और यहाँ तक बलवन के बाद कौन से शासक बनते, उसके बाद जो है एक नया वंश, खिलजी वंश जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो बलवन का मूल नाम जो है बहाउद्दीन था। उसे मंगोलों ने ख्वाजा जलीउद्दीन को बेच दिया था। तो बलवन का नाम बहाउद्दीन था, मंगोलों ने इसको ख्वाजा जलालुद्दीन को बेच दिया था। और बलवन भी इलबरी तुर्क था, बलवन भी इलबरी तुर्क था। और गयासुद्दीन बलवन द्वितीय इलबरी वंश यानी कि बलवनी वंश का संस्थापक माना जाता है। बलवन ने सुल्तान बनने से पहले 20 वर्ष तक नसरुद्दीन महमूद के वजीर के रूप में कार्य करते हुए सुल्तान की शक्तियों का क्या किया था, उपयोग किया था। वह सुल्तान ना होते हुए भी सुल्तान के छत्र का ये उपयोग करता था। इसके अलावा आगे देखते हैं, बलवन ने शासक बनने के पश्चात गयासुद्दीन की उपाधि क्या की थी, धारण की थी। तो बलवन ने शासक बनने के पश्चात गयासुद्दीन की उपाधि धारण की थी। बरनी ने बलवन को जनता का पिता, तो बरनी ने बलवन को जनता का पिता, नायक या खुफिया कातिल, नायक या खुफिया कातिल, क्योंकि उसने अपने अमीरों की चुपचाप हत्याएं करवाई थी, क्योंकि उसने जो है अपने अमीरों की क्या करवाई थी, चुपचाप हत्याएं करवाई थी। पालम बावली लेख यानी कि रचना का योगेश्वर पंडित है बावली, पालम बावली जो है दिल्ली में है। पालम बावली के लेख में जो है रचनाकार योगेश्वर पंडित ने बलवन को विष्णु का अवतार बताया है। तो विष्णु के अवतार को कौन से सुल्तान को बताया गया है, योगेश्वर पंडित ने तो बलवन को बताया है कि राजा के सुशासन के कारण भगवान विष्णु समस्त चिंताओं को त्याग कर क्षीर सागर में शांतिपूर्ण शयन रत हैं। गढ़ मुक्तेश्वरी लेख में बलवन को खलीफा का सहायक कहा है। तो गढ़ मुक्तेश्वर लेख में बलवन को खलीफा का सहायक कहा गया है। बलवन का राजत्व सिद्धांत, तो यहाँ से जो है क्वेश्चन बनते हैं, बलवन का राजत्व सिद्धांत कई बार जो है यहाँ से पूछा गया है। बलवन का राजत्व सिद्धांत लोह और रक्त की नीति थी तथा प्रतिष्ठा न्याय व न्याय पर आधारित था। उसके नियाबत ए खुदाई सिद्धांत के अनुसार सुल्तान ईश्वर के सुल्तान जो है संसार में ईश्वर का प्रतिनिधित्व था, यानी कि नायब ए खुदाई, नायब एक खुदाई था उसके अनुसार। तो ये उनके कुछ राजत्व के सिद्धांत थे, लौह रक्त, प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय, इस तरह से ये उनके राजत्व के सिद्धांत थे। आगे देखते हैं, आगे है अगला। इसके अलावा यहाँ पर है बलवन ने आदेश दिया कि अधिशेष की राशि जो है इक्ता से सुल्तान के कोषागार में भेजी जाए। ये उनके आदेश थे। बलवन ने 1279 ईस्वी में ख्वाजा नामक दीवानी अधिकारी को नियुक्त किया था, जो इक्तादारों पर नियंत्रण रखता था एवं उनकी आय का आकलन करता था तथा लेखा रिकॉर्ड रखता था। बलवन ने इक्ता को अपने अधिकारियों को स्थानांतरित करने पर रोक लगा दी थी। सामंतों की गतिविधियों पर भी नजर रखते हुए गुप्तचर विभाग यानी कि दीवान ए बरीद, दीवान ए बरीद कभी शब्दावली जो है पूछी जाती है तो ये इम्पोर्टेंट है, इसकी स्थापना की थी। पहली बार बलवन ने ही गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना की थी। तो गुप्तचर व्यवस्था स्थापित करने वाला कौन सा सुल्तान है, बलवन। बलवन ने दीवान ए अर्ज, अर्ज मतलब सैन्य विभाग की स्थापना व इमाद उल मुल्क
अहमद आयाज को सेना अध्यक्ष जो है नियुक्त किया था। मंगोल आक्रमण से बचने के लिए उत्तर पश्चिम सीमा पर किलों की श्रृंखला बनाई। बलबन ने संपूर्ण सीमांत प्रदेशों को दो भागों में विभाजित किया, सुनम समाना एवं उच्च के प्रांत, छोटे पुत्र बुगरा खां को तथा मुल्तान सिंध व लाहौर को बड़े पुत्र मोहम्मद खां को सौंपे। बलबन का बड़ा पुत्र मोहम्मद खां 1286 में तैमूर खां के नेतृत्व में हुए मंगोल आक्रमण का सामना करते हुए मारा गया। तो बलबन का पहला पुत्र बड़ा पुत्र मोहम्मद खां स्वयं जो है मंगोलों का आक्रमण करते हुए मारा गया। इसलिए जो उत्तर पश्चिम है, उत्तर पश्चिम पर क्या किया उन्होंने, बहुत ज्यादा जो है सेना वहां पर लगाई, क्योंकि आक्रमण वहीं से होते थे। अब जैसे ये जो है, अगर ये भारत का मैप देखें तो ये जो है उत्तर और पश्चिम, तो यहीं से सारे आक्रमण हुए। इसलिए यहाँ पर जो है सेना का व्यवस्था उसने बहुत अच्छे से कर रखा था। और शहजादा मोहम्मद को इन्होंने क्या किया, शहीद की उपाधि दी थी। आगे देखते हैं, आगे है बलबन मोहम्मद की मृत्यु से टूट गया था, मतलब उसके बड़े बेटे की मृत्यु हो गई थी, तो बहुत ज्यादा क्या हो गया था, दुखी हो गया था और एकांत में फूट फूट कर रोता था। हालांकि दरबार में वो गंभीर व्यवहार ही दिखाता था, मतलब बिल्कुल एकदम शिष्टाचार से जो है दरबार में रहता था, लेकिन एकांत में बहुत ही फूट फूट कर रोता था। 1279 में बंगाल के सूबेदार तुगरिल खान ने विद्रोह किया एवं तुगरिल ने सुल्तान व मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण की एवं खुदवा पढ़वा कर अपने नाम के सिक्के भी चलवाए थे। बाद में बलबन ने विद्रोहियों का क्रूर तरीके से क्या किया, दमन किया था। बलबन अपने पुत्र बुगरा खां के साथ बंगाल के तुगरिल के विद्रोह को दबाने गया। अंत में जो है मुकद्दर ने तुगरिल को मार दिया और इसी समय बलबन ने अपने पुत्र से कहा था कि सुल्तान का पथ निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। तो यहाँ पर जो है उसने अपने जो बेटे को है बुगरा खां को यहाँ एक नसीहत दी थी कि सुल्तान का पद जो है निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। तो ये कथन भी जो है इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है। आगे है बंगाल विद्रोह एकमात्र विद्रोह था जिसे बंगाल ने दिल्ली के बाहर आके दबाया था, जिसे बलबन ने दिल्ली के बाहर आकर दबाया था। बलबन ने कटेहर विद्रोह के दमन के समय 9 वर्ष के ऊपर सभी पुरुषों के कत्ल का आदेश दिया था। दकली मलकी का विद्रोह नसरुद्दीन महमूद के समय बलबन ने दबाया। बलबन के समय जो है मेवात यानी कि अलवर, दोआब, अवध, कटेहर यानी कि बुंदेलखंड हिंदू विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। दिल्ली के आसपास बसे लुटेरे मेवों का दमन करके जंगलों को कटवाया और गोपालगिरी में दुर्ग को भी बचाया। तो ये दिल्ली में उन्होंने क्या किया, काम किया। इसके अलावा आगे देखते हैं, तो आगे देखते हैं और तो यहाँ पर जो है बलबन ने दिल्ली में 4 कोनों में भोजपुर, पटियाली, कामपिल और जलाली में किले बनवाए थे। किले कहाँ कहाँ बनवाए, भोजपुर में, पटियाली में, कामपिली में, जलाली में। अमीर खुसरो एवं अमीर हसन देहलवी ने अपना साहित्यिक जीवन जो है शहजादा मोहम्मद के समय से शुरू किया। अमीर हसन देहलवी जो है उच्च कोटि का गजल लेखक था, जिसके कारण जो है भारत उसे भारत का सीधी कहा जाता था। अमीर हसन भी अमीर खुसरो की भांति निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। बलबन ने फारसी के महान कवि शेख सादी को भी भारत में आमंत्रित किया, किंतु वह अपनी वृद्धावस्था के कारण जो है भारत नहीं आ सके। इतिहासकार हबीबुल्ला ने बलबन के शासन को सुदृढ़ीकरण का काल कहा है। विशाल सेना होते हुए भी बलबन ने मंगोल आक्रमण के भय के कारण सीमा विस्तार का प्रसार नहीं किया। एके निजामी ने कहा है कि बलबन एक उत्तम अभिनेता था, बहुत अच्छा अभिनेता था और अपने दर्शकों को आधुनिक फिल्मी सितारों की भांति जो है मंत्रमुग्ध
रखता था। बर्नी के अनुसार बलवन जो है एक मालिक होते हुए भी खान हो गया और वो फिर वो है सुल्तान बना। तो बर्नी के अनुसार, बर्नी क्या कहते हैं कि बलबन एक मलिक होते हुए भी क्या है, खान हो गया और फिर भी वो सुल्तान बन गया। इतिहासकार बर्नी लिखते हैं आगे कि बलबन की मृत्यु से दुखी हुए मलिकों ने अपने वस्त्र फाड़ डाले और सुल्तान के शव को कब्रिस्तान ले जाते हुए अपने सिरों पर धूल फेंकी एवं 40 दिन तक बिना बिस्तर के क्या किया, जमीन पर सोए। तो ये बर्नी ने बलबन के बारे में लिखा था। यहाँ से भी जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं कोटेशन से, तो याद रखिए ये भी बहुत है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बलबन की मृत्यु के बाद उनका अयोग्य पुत्र कैकुबाद, कैकुबाद जो है यानी कि बुगरा खां का पुत्र उत्तराधिकारी हुआ। यद्यपि बलबन ने कैखुसरो को अपना उत्तराधिकारी चुना था, कैकुबाद को लकवा होने पर तुर्क अमीरों ने उसके शिशु पुत्र को शमशुद्दीन क्यूमर्स के नाम से जो है गद्दी पर बिठाया था। कैकुबाद को लकवा होने पर तरकेश ने यमुना नदी में फेंक दिया था, तरकेश ने उसको यमुना नदी में फेंक दिया। मोहम्मद खां के पुत्र कैखुसरो को दिल्ली का दाद बेग निजामुद्दीन सुल्तान नहीं बनने देता और कैकुबाद से उसकी यानी कैखुसरो की मंडोली में हत्या करवा देता है। बलबन का दूसरा पुत्र बुगरा खां बंगाल की सूबेदारी से ही संतुष्ट रहा है। जलाउद्दीन फिरोज खिलजी जो कि आजरे मुमालिक था ने कैकुबाद बा क्यूमर्स की हत्या कर, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, अब यहीं से जो है खिलजी वंश स्टार्ट हो जाता है इसके बाद से, तो उन्होंने क्या कर दिया, कैकुबाद की हत्या कर दी और खुद ही एक नया वंश जो है, और खिलजी वंश को क्रांति का सूत्रपात कहते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप मेरे साथ जो है अन अकेडमी पर भी जुड़ सकते हैं, और अगर आप अन अकेडमी का कोर्स परचेज करते हैं तो आप वहां पर एकता नेट करके जो है कोट लगाएंगे तो आपको जो है काफ़ी डिस्काउंट मिल जाएगा। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।